वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है ITR रिटर्न फाइल कैसे करें। दोस्तों, इनकम टैक्स की साइट पर अपना ITR फाइल कैसे करना है, यहां पर आप अपना यूज़र ID, पैन नंबर, पासवर्ड, आपका रिक्वायर्ड पासवर्ड है वो, और कैप्चा फिल आफ्टर लॉग इन कर लेंगे। इनकम टैक्स की साइट का URL लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा, जिससे आप लॉग इन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ज़्यादातर इम्प्लॉय अपना ITR फाइल या तो किसी साइबर कैफे, प्राइवेट कंप्यूटर वाले के पास या फिर CA की मदद से करवाते हैं, लेकिन ये सब गलत बात है। आपको अपना ITR सेल्फ पे करना चाहिए, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि क्या इसमें डिटेल्स मांगी गई है और कौन सी डिटेल्स आप अपडेट कर रहे हैं। ये आपका पर्सनल रिकॉर्ड है, आपका व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। ITR फाइल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो लॉट ऑफ ITR फाइल करता हूँ, साल में 400 से 500 ITR मेरे पास में फाइलिंग होते हैं, लेकिन इस बार इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। कल मेरा WhatsApp स्टेटस भी यही था कि इस बार वित्तीय वर्ष ITR फाइल करते समय 3 सवाल के जवाब यस नो में देने पर ही फाइनल सबमिट करेगा। यानी कि अपना ITR है वो अपन फाइनल सबमिट करते हैं। ये मैंने इसका अंग्रेजी टू हिंदी में रूपांतरण भी कर दिया था। यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज है और इधर साइड में ये हिंदी लैंग्वेज, इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके भी बताया था। अब यहाँ पर सीनियर सिटीज़न की बात कही है, इसलिए अपन सीनियर सिटीज़न, अपने घर में कोई मेंबर है, अगर सीनियर सिटीज़न है, अपने फादर मदर हैं या अपना भाई है या रिटायरमेंट हुआ है तो वो फाइल सबमिट कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर पूछा गया है। और मैंने ये व्हाट्सएप स्टेटस रखा था, और वो 3 कन्फ्यूज़न कौन से हैं वो अपन इस वीडियो में देख लेते हैं। ITR अगर आप सेल्फ भरते हैं तो इसका हेल्पलाइन वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं एक ही जानकारी को बार बार रिमाइंडर करने में थोड़ी मुश्किल होती है दोस्तों, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। बट यहाँ पर अभी अपन इसका फाइनल सबमिशन करते हैं तो ये अपन को रीडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पर वेन एवर यू आर एनी ऑफ यूर फैमिली मेम्बर इंक्लूडिंग एंड पेरेंट इज सीनियर सिटीजन। अब यहाँ पर यही पहला सवाल है कि वेन एवर यू एनी ऑफ यूर फैमिली मेम्बर इंक्लूडिंग पेरेंट इज ए सीनियर सिटीजन, यहाँ पर इसका हिंदी रूपांतरण है, जब भी आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य माता पिता सहित एक वरिष्ठ नागरिक होता है, तो अपने परिवार में ये देख लेना है कि अपने फादर मदर या अपना भाई जो एक फैमिली में अपन रहते हैं तो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक है या नहीं, इसका अर्थ ये है। अगर है तो यस कर लेना है, नहीं तो यहाँ पर नो कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं, इसमें सेकंड है यहाँ पर वेन एवर एनी वन ऑफ यूर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन। दोस्तों, मैंने हिंदी रूपांतरण इसीलिए किया है कि हो सकता है अपन यहाँ पर यस नो केवल सेलेक्ट करना है और अपन से कहीं गलती हो जाए तो अपना ITR इनवैलिड हो जाएगा, इस हिसाब से मैंने इसका हिंदी रूपांतरण करके इस वीडियो में बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी यही है कि वेन एवर एनी वन ऑफ यूर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, जब भी आपके माता पिता में से कोई एक वरिष्ठ नागरिक होता है, सीनियर सिटीजन 60 से 80 एबो सीनियर सिटीजन कहलाता है, और 60 ईयर एबो होता है, जैसे अपन 60 ईयर हैं, अपन अभी 60 साल के नहीं हुए तो अपन एक आम नागरिक कहलाते हैं। मैं उसकी भाषा भी आपको बता देता हूँ, और 80 ईयर से ऊपर ओल्ड होता है, 80 ईयर ऊपर ओल्ड होता है वो वेरी सीनियर सिटीजन कहलाता है। अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन की बात कही है, इसलिए अपन सीनियर सिटीजन, अपने घर में कोई मेंबर है, अगर सीनियर सिटीजन है, अपने फादर मदर हैं या अपना भाई है या रिटायरमेंट हुआ है तो वो फाइल सबमिट कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर भी ये जो एम्प्लॉई जिसकी फाइल में सबमिट कर रहा हूँ उसके लिए यहाँ पर सीनियर सिटीजन नहीं है, आप अपना देख करके और यहाँ यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको अपन कर लेते हैं सेव टू ड्राफ्ट। अगर फाइनल सबमिट करने जाएंगे तो फिर यहाँ पर
ये रिडायरेक्ट कर दिया कि वेन एवर यू हैव मेड इन इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेरेंट बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 31 जुलाई 2020 एंड फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग ऑफ द एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी चैप्टर वाया 4A यस या नो। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको ये बोलेगा कि प्लीज़ फाइल शेड्यूल DI, और यहाँ पर अगर नो कर देते हैं तो ये आगे बढ़ लेना। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आपने 1 अप्रैल 2020 से 31/7/2020 के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, अगर किया है तो यहाँ पर इसकी डिटेल देनी है, या आपके पेरेंट या फैमिली मेंबर में से किसी ने किया है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट बिटवीन, यहाँ पर पेरेंट की बात भी आ रही है। ये एक प्रोबेशन एम्प्लॉई है और प्रोबेशन एम्प्लॉई भी अपना ITR सबमिट कर सकता है, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि प्रोबेशन एम्प्लॉई भी ITR भर सकता है। अब ये ITR यहाँ पर फाइनल भरा हुआ है, अब इसको अपन फाइनल सबमिट कर देते हैं, क्योंकि अपन ने तीनों सवालों के जवाब दे दिए। जब जा करके यहाँ पर अपन को इसने बोला है कि प्लीज़ वेरीफाई दैट द ऑल डिटेल आर वैलिड, क्लिक ओके। अगर आप बिल्कुल वेरीफाइड हैं, ये सारी डिटेल आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी उससे वेरीफाइड है, तो ओके करें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इसको कैंसिल कर दें। लेकिन अपन यहाँ पर बिल्कुल कन्फर्म है, इसलिए ओके कर लेंगे। ओके करते ही यहाँ पर एक PDF जनरेट कर देगा। इस PDF में आपने जो भी ITR में डिटेल सबमिट की है उसको आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। आपका अकाउंट नंबर भी आप चेक कर सकते हैं, आपका हो सकता है रिफ़ंड हो तो आप अपना अकाउंट नंबर भली भांति चेक कर लें, उसके बाद में ही इसको फाइनल सबमिट करें। अब यहाँ पर इसको फाइनल सबमिट कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक ITR फाइल करने से पहले कुछ सामान्य जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।